हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज हम देखेंगे आपके पर्सन आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं और क्या इमोशंस हैं उनके आप लोगों के लिए। आपका नो कॉन्टैक्ट है, लीस्ट कॉन्टैक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, सेपरेशन है, आपका ब्रेकअप हो चुका है, चाहे ये पर्सन आपका हस्बैंड है, चाहे आपकी वाइफ है, या चाहे कोई भी पर्सन है, आप रीडिंग को देख सकते हो। रीडिंग सबके लिए ओपन है क्योंकि कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस। एंड आप चैनल पे न्यू हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए मेरे ईमेल पे कांटेक्ट करें। ईमेल आपको इंस्टाग्राम और इसी चैनल के अबाउट में मिल जाएगा। शॉर्ट इंग्लिश में रीडिंग्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मस्ट फॉलो करें। जिस पर्सन के लिए रीडिंग को देख रहे हैं, जो पर्सन आपके माइंड में है, उन पर फोकस करिए, पॉजिटिव रहिए, देखेंगे उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके क्या इमोशंस हैं करंटली, आज उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स के, उनके लवर के, जिसके लिए वो रीडिंग को देख रहे हैं। सो गाइस, फर्स्ट है हमारे पास पेज ऑफ कप्स, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। देन वी हैव टू ऑफ वैंड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस। फिर है हमारे पास टेन ऑफ वैंड्स, अगेन एरिस लियो सैजिटेरियस। इस पर्सन की एज 20 हो सकती है, 21 हो सकती है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, 27 इस पर्सन की एज हो सकती है। करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, सेपरेशन। देन वी हैव पेज ऑफ वैंड्स, एरिस लियो सैजिटेरियस। फिर हमारे पास द लवर्स, नंबर 6, इस पर्सन की एज 26 भी हो सकती है, जेमिनी स्टार साइन हो सकता है। फिर हमारे पास द फूल, एक्वेरियस। एक और कार्ड लूंगी मैं, देन आई विल एक्सप्लेन व्यूअर्स के पार्टनर्स की बात। फिर हमारे पास गाइस नाइट ऑफ कप्स, कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, द एम्परर। आई फील लाइक जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो इस टाइम, या तो ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है, एंड एक और मुझे चीज़ ऐसे नज़र आ रही है, जैसे ये पर्सन या तो किसी को इस टाइम डेट कर रहा है या किसी और के साथ रिलेशनशिप में नज़र आ रहा है, ठीक है। बट मुझे ज़्यादा चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं, जैसे यहाँ पे एम्परर, इट मीन्स कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिड है या किसी के साथ कमिटमेंट में है, इंगेज्ड भी हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। बट इस टाइम इस पर्सन की सिचुएशन कुछ यूँ है गाइस के ये पर्सन आपको भी साथ रखना चाहता है और इस पर्सन को भी साथ रखना चाहता है, ये छोड़ना नहीं चाहता। ये मैरिड है ना, तो ये अपनी उस मैरिज में भी रहना चाहता है, उधर उसको छोड़ नहीं सकता, ना ही उसमें से निकल सकता है, और ये आपको भी साथ रखना चाहता है, ये पर्सन आपको भी डेट करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि ये पर्सन इम्बैलेंस जो इसका चीज़ें हो रही हैं ना, उनको बैलेंस नहीं कर पा रहा, कि ये एक को एक एक टाइम में एक के साथ रहे, ऐसा इस पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं हो रहा। दैट्स वाई ये पर्सन जो है इस टाइम वेट कर रहा है आप लोगों के साथ रिलेशनशिप को दोबारा बिल्डअप करने का। ऑलरेडी हो सकता है इस पर्सन ने आपको किसी और की वजह से छोड़ा है, या आप लोगों ने खुद इस पर्सन को छोड़ दिया क्योंकि ये पर्सन मैरिड था, या ये पर्सन इंगेज था, या ये पर्सन किसी और को डेट कर रहा था, बट अभी ये पर्सन वापस आना चाहता है आप लोगों के पास, ठीक है, और आपसे बात करना चाहता है। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए आएगा गाइज, इस टाइम इनकी फीलिंग्स है कि ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आए और आपको रोमांटिक कमिटमेंट दे, और ये पर्सन इस चीज़ का वेट भी कर रहा है, इवेल्युएट कर रहा है, चीज़ों को सोच रहा है बहुत ज़्यादा डीपली कि किस तरह से ये आपकी तरफ आए। इस टाइम इस पर्सन की नज़र आप पे, ये पर्सन आपको स्पाई कर रहा है, आप पे नज़र रख रहा है कि आप लोग क्या एक्टिविटी कर रहे हो, आप लोग क्या अपनी लाइफ में कर रहे हो, बिकॉज ये दोबारा से फ्रेंडशिप करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। ये पर्सन आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, जो हो सकता है किसी और को डेट कर रहा था, बट अभी ये उसको भी रखेगा और आपको भी रखेगा। यहाँ पे एक सिचुएशन नज़र नहीं आ रही, यहाँ पे चॉइसेस हैं इस पर्सन के पास, और इसको लगता भी है कि आप लोगों के लाइफ में भी चॉइसेस हैं, और हो सकता है आप लोगों के पास ये पर्सन वापस आता है तो आप लोग इसको चूज़ नहीं करोगे, आप किसी और को प्रेफर करोगे चूज़ करना, ठीक है। बट ये जो पर्सन है ये आपसे लव तो करता है, लेकिन रखेगा दोनों को, दोनों दो लोगों को एक साथ रखना चाहता है, ये किसी एक को चूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि इसके लिए कोई एक डिसीजन लेना इस टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये आप लोगों के पास डेफिनेटली कनेक्शन को दोबारा से रिबिल्ड करने आ रहा है, रिबर्थ करने आ रहा है, दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करने आप लोगों की तरफ आना चाहता है, और उस चीज़ का वेट कर रहा है कि किस तरह से ये पर्सन आप लोगों से बोल सके कि ये पर्सन आपको डेट करना चाहता है, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है, और आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, और उस चीज़ के लिए ये पर्सन आपको डेफिनेटली मैसेज करेगा। ये पर्सन की जो नेचर है वो काफ़ी हद तक मुझे फ्लर्टी नज़र आ रही है, कि ये पर्सन इस तरह ही काफ़ी ज़्यादा एक टाइम में काफ़ी लोगों के साथ जो है ना कनेक्शंस में रहता है, हमेशा ये पर्सन ने अपने बैकअप पे ऑप्शन कोई ना कोई रखी होती है, इसीलिए आपको फील होता होगा जैसे ये पर्सन आपसे अगर बात नहीं आप लोग करते
या आप लोगों की कोई फाइट हो जाती है या कनेक्शन ख़त्म हो जाता है तो ये पर्सन खुद अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करता, आप लोगों से बात करने की कोशिश नहीं करता. क्यों? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी बैकअप पे कोई ना कोई कनेक्शन मौजूद होता है. दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्टी है गाइस. इस पर्सन को हल्का नहीं लेना आप लोगों ने, बिकॉज बहुत ज़्यादा ये पर्सन एक तो चालाक भी बहुत ज़्यादा है और दूसरा ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लर्टी नेचर का है. जहाँ भी इसको किसी में भी अट्रैक्शन नज़र आती है ना, ये पर्सन उसी के साथ जो है ना उसको डेट करना स्टार्ट कर देता है. और इस टाइम इस पर्सन को दोबारा से आप लोगों की तरफ अट्रैक्शन महसूस हो रही है और ये आपको डेट करने का वेट कर रहा है और डेफिनेटली आपकी तरफ आएगा. ये पर्सन ज़्यादा देर कनेक्शन में जो है ना एक तरह से सेटल नहीं रह सकता, क्योंकि इसकी नेचर ऐसी है कि ये फ्रीडम पसंद करता है, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शंस में रहना पसंद नहीं करता. वट एवर मेल फीमेल कोई भी इसका जेंडर है, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ. बट इस टाइम ये आपको वेट जो है ना, जो इनकी करंट फीलिंग्स वो यही है कि ये आपकी तरफ अपना रोमांटिक प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं, आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. ठीक है, लेकिन दो लोगों को साथ रखेंगे ऐसा मत समझिएगा कि इस पर्सन की लाइफ में आपके अलावा कोई नहीं है. डेफिनेटली मौजूद है कोई और ऑलरेडी मैरिड भी है, तो भी हो सकता है किसी और के साथ कनेक्शन में भी है. एट अ टाइम ये पर्सन दो तीन कनेक्शन में, दो मोस्टली कनेक्शन में रहता है, एक कनेक्शन में बहुत कम चांसेस है कि ये रहता हो. वट एवर ये आपका कोई हस्बैंड है या कोई वाइफ है, मैं उनकी बात भी कर रही हूँ, बट ये जनरल रीडिंग है. हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करें, जिनसे जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखें. ज़बरदस्ती अपने आप पे फिट करना कुछ भी नहीं है आपने. ठीक है, चलिए मज़ीद देखते हैं कुछ कि क्या फीलिंग्स हैं आप लोगों के पर्सन की, क्या इमोशन है, कुछ और क्लैरिटी देखने की कोशिश करते हैं यहाँ से. हमारे पास है गाइस, हाउ टीचेबल आर यू. आपने इस पर्सन को डेफिनेटली कुछ ना कुछ सिखाया है, अदरवाइज मुझे लग रहा है जैसे इस पर्सन ने आपको बहुत कुछ सिखाया. इस कनेक्शन में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा, आप लोगों की काफ़ी ग्रोथ हुई है, काफ़ी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई हैं, आप काफ़ी मेच्योर हुए हो. ठीक है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है. इस पर्सन की अपनी एज 29 हो सकती है या आपकी हो सकती है. देन अ वाइल्ड, यस, ये पर्सन आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है गाइज. ये पर्सन आपको देख रहे हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो. मैंने आपको बोला कि ये पर्सन अट्रैक्शन इसको जब होती है तो ये पर्सन उनके साथ कनेक्शन बनाता है, तो इस टाइम इस पर्सन को आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस हो रही है. 15 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए. डेट ऑफ बर्थ इसका या आपका हो सकता है. 6 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है. लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका हो सकता है. तो ये पर्सन आपकी ब्यूटी में काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है. आप लोग काफ़ी गुड लुकिंग हो, काफ़ी गॉर्जियस हो, काफ़ी ग्रेसफुल आपकी जो है ना एक पर्सनैलिटी है और काफ़ी प्यारे हो आप, तो ये पर्सन को काफ़ी अट्रैक्शन हो रही है आप लोगों की तरफ. ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टेड हो रही है आप में. दैट्स वाई आपको डेट करना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है. ये चाहता है दोबारा से आप रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ आओ और उस चीज़ का ये पर्सन वेट कर रहा है बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से. ठीक है, अगर ये पर्सन शादीशुदा भी है ना, मैरिड है ऑलरेडी, तो ये पर्सन उधर मतलब लाइक ये पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है अपनी उस मैरिज में. इस पर्सन पर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफ़ी बर्डन है, जहाँ से ये पर्सन अपने आप को अपने मेंटली अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप लोगों के पास आएगा. ये छोड़ेगा नहीं उसको. देन वी हैव पे अटेंशन टू द साइन. यस, आप लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग अटेंशन करिए साइन पे. ठीक है, और ये पर्सन भी आप पे फोकस कर रहा है कि आप लोगों की तरफ से क्या इस पर्सन को कोई साइन ऐसे मिल रहे हैं कि जहाँ से पता लग सके इस पर्सन को कि आप भी इस पर्सन में उतना इंटरेस्टेड हो जैसे ये इंटरेस्टेड है. 10 नंबर इंपॉर्टेंट है. डेफिनेटली आप लोगों से मिलना चाहता है, बात करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप इस पर्सन को अपना इंटरेस्ट शो करवाओ. नंबर 10 इंपॉर्टेंट हो सकता है. नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है. इस पर्सन की अपनी जो एज है या आपकी 19 हो सकती है. 19 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है. 1 हो सकता है डेट ऑफ बर्थ या लाइफ पाथ नंबर. 10 नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या इनकी. तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लग रहा है गाइस आप लोगों में. लेकिन इसी भूल में मत रहिएगा कि ये पर्सन जो है सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है. बैकअप पे ये हमेशा कोई ना कोई रखता है कनेक्शन, चाहे वो ज़्यादा फ्रेंड ही क्यों ना रखे. देन वी हैव हीलिंग. यस, ये पर्सन जो है ना, इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है और ये जो है ना ये चाहता है कि आप लोग जो हो ना एक हीलर हो. आप लोगों की एनर्जी बहुत ज़्यादा लाइट है, आप इस पर्सन को हील कर सकते हो. क्योंकि ये पर्सन मैरिड में है ना, मतलब लाइक ऑलरेडी मैरिड है, तो ये बर्डन में है, वहाँ से खुद को रिलीज़ करना चाहता है. क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा इस पर्सन पर फैमिली की. और कुछ हद तक हो सकता है कुछ लोगों को आपके जो पर्सन है वो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ भी देख रहे हैं, जहाँ से ये पर्सन वेट कर रहा है कि इस पर्सन को सक्सेस मिल सके. डिस्टर्ब तो है ये पर्सन थोड़ा, लेकिन आप लोगों की तरफ आना चाहता है, लेकिन किसी और को भी नहीं छोड़ेगा अगर किसी के साथ ऑलरेडी ये पर्सन कनेक्शन में है तो. अगर नहीं है कनेक्शन में, देन डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना आप लोगों के साथ रिलेशनशिप जो है ना एक
अच्छी बनाना चाहता है, क्योंकि इसको लगता है आप इस पर्सन को हील कर सकते हो, आप लोगों से इस पर्सन ने काफ़ी कुछ सीखा है। 21 इनकी एज हो सकती है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ आपका या इनका। मैं एक और कार्ड लूँगी, इसके पर्सन की करंट फीलिंग्स। देन वी हैव टेम्पटेशन, यस ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है गाइस। सेक्चुअल आर्ट्स, ये पर्सन आप में फिजिकली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है गाइस। 33 इस पर्सन की एज आपकी हो सकती है, 6 नंबर अगेन है इंपॉर्टेंट हो सकता है, 19 नंबर मैंने आपको ऑलरेडी भी बताया और अभी भी आ गया 19, और 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। टेम्पटेशन, डेविल की एनर्जी है, ये पर्सन आप लोगों के साथ फिजिकल होना चाहता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, हो सकता है ये पर्सन अपने फाइन आर्ट से कोई हो सकता है इसका लिंक, तो इसने आपको कोई स्केच वगैरह भी बनाया होगा, ठीक है। यस, तो ये काफ़ी इंटरेस्टेड है गाइस, आप लोगों के साथ फिजिकल इंटीमेसी महसूस कर रहा है और आपके साथ इंटीमेसी मतलब रखना भी चाहता है, काफ़ी ज़्यादा कनेक्शन महसूस करता है। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे सिचुएशन कुछ ऐसी नज़र आ रही है गाइस कि ये पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड है तो आप लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल कनेक्शन रखना चाहता है, इस पर्सन को सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी में इंटरेस्ट है, चाहे ये मेल है या फीमेल है, जेंडर की बात नहीं हो रही, मैं अगेन बोलूँगी ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये पर्सन अपने आप को थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए आपको लाइक यूज़ भी कर सकता है, तो बी केयरफुल अबाउट इट, आपने केयरफुल रहना है, आपको खुद पता है आपकी सिचुएशन क्या है और आपने उसको कैसे हैंडल करना है केयरफुली, ओके। सो ये रीडिंग थी आप लोगों की, आई होप आपसे रेजोनेट की हो, पसंद आई हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कोई मुझे न्यू टॉपिक आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो कर दीजिए, मुझे पसंद आएगा तो डेफिनेटली मैं उस पर भी रीडिंग करूँगी। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।